हमारा यह संकल्प है गुलामी के दौर की हर निशानी को मिटा देना है, चाहे वो इंडियन पीनल कोड हो, चाहे सिविल प्रोसीजर कोड हो, चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, चाहे इंडियन पुलिस एक्ट हो, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट हो, सने के गुलामी के कानूनों को ही संसद आगे बढ़ाती जाए। इसके लिए संसद नहीं बनाई है और इसके लिए चुनाव नहीं होते हैं और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए जाते। हमने हमारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संसद बनाई है, ये एक बात है। और दूसरी इससे भी बड़ी बात है कि आज़ादी के बाद भी गुलामी की जिन निशानियों को हम हटा नहीं पाए इस देश से, ऐसी कुछ निशानियां अभी जिंदा हैं। जैसे उदाहरण के लिए इस देश में डलहौजी नाम का एक शहर है, मालूम है आपको, हिमाचल प्रदेश, लोग वहां हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। डलहौजी नाम का सबसे कुख्यात अंग्रेज अधिकारी जिसने सबसे ज्यादा किसानों को बर्बाद किया, जमीनें छीनी, किसानों को भूमिहीन बनाया, उसके नाम पर इस देश में शहर बसा हुआ है, लोग वहां हनीमून मनाने जाते हैं। कैसे मना लेते हैं हनीमून एक ऐसे शहर में जो कुख्यात अंग्रेज अधिकारी के नाम पर बसा है? शहर का नाम हम क्यों नहीं बदल पाए?